स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल तुर्काज रीजनल्स में और आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देख लें और लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। दोस्तों आज की वीडियो है कि किसी भी कंट्री के अंदर कितने प्रकार के वीज़ाज़ होते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों स्टिकर वीज़ा। स्टिकर वीज़ा वो वीज़ा होता है दोस्तों जो आप अपने फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी एम्बेसी, कॉन्सुलेट या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के अंदर अप्लाई करते हो, तो उसके बाद आपके पास पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है और वहाँ जब आप पासपोर्ट सबमिट करते हो तो उसके ऊपर स्टिकर छप के आता है वो वीज़े का, उसको कहते हैं स्टिकर वीज़ा। ये वीज़ा ज़्यादातर कैनेडा, यूएसए, यूरोप, यूके वगैरह बड़ी कंट्रीज देते हैं। दोस्तों दूसरा है ई वीज़ा। ई वीज़ा भी आप स्टिकर वीज़ा की तरह अप्लाई करते हैं, लेकिन ये आपके पासपोर्ट पे नहीं आता, ये आपकी मेल पे आता है। इसका आपको प्रिंट लेके आप फ़ोन के अंदर भी आप इमिग्रेशन पे दिखा सकते हैं। ये ज़्यादातर मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह आपको प्रोवाइड कराती हैं। तीसरा है दोस्तों वीज़ा ऑन अराइवल। ये वीज़ा आपको दोस्तों लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये आप जिस कंट्री में जा रहे हैं जो इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देती है आपको वहीं एयरपोर्ट पर मिलता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं हर कंट्री की अपनी, वो आपको मीट करनी पड़ती हैं वीज़ा लेने से पहले। ज़्यादातर वीज़ा आपको मिल ही जाता है, जैसे दोस्तों थाईलैंड देता है, मालदीव्स देता है, मॉरिशियस देता है, ऐसे वीज़ा ऑन अराइवल्स मिलते हैं। दोस्तों आगे आता है वीज़ा फ्री। कई कंट्रीज़ इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री होती है, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ टिकट चाहिए और सीधा जाके एंटर कर सकते हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान और भी कोई और भी कई कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री हैं इंडियंस के लिए, जैसे इंडोनेशिया। लास्ट में आता है दोस्तों ट्रांज़िट वीज़ा। ट्रांज़िट वीज़ा वो वीज़ा होता है जो कि आप या तो फ्री होता है या फिर कम पैसों में आप ले सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंट्रीज़ में आगे जा रहे हैं, आपका लेओवर ज़्यादा है या फ़्लाइट का टाइम ज़्यादा है, तो आपको कई कंट्रीज़ में ये लेना पड़ता है, जो कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं किसी भी कंट्री की वेबसाइट पे जाके कि आपकी ज़रूरत है या नहीं। और भी कई तरह के वीज़ाज होते हैं दोस्तों, जिनमें कहीं में फ़ीस माफ़ होती है, कहीं में वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको इन्फो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोज़ के लिए, और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।